हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल जहांगीरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी MP3 पे अपना पिक्चर सेट कर सकते हैं। जी हां, जैसे कि कोई म्यूज़िक हो या कोई सॉन्ग हो तो उस पर आप बहुत ही आसानी से अपना फ़ोटो सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल टेक्निकल जहांगीरी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद इस घंटी को दबा दे और इस वीडियो को दीजिए लाइक, ताकि आपकी मदद से हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। तो समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है आई टैग। आपको ये सर्च कर लेना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। इसके देखिए 5 मिलियन डाउनलोड्स हैं और 3.9 की स्टार रेटिंग है। तो मैं इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये हमें ओपन करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जिसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की जितनी भी म्यूज़िक या सॉन्ग होगी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल के लिए चलिए मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ। पहले मैं वॉइस कम कर देता हूँ, सॉरी, नहीं तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाएगा अगर मैं अपलोड करता हूं। तो यहां पे देखिए एक मैंने सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको करना क्या है, सॉन्ग की पिक्चर आपको दिख रही है सेट है तो आपको सबसे पहले यहां पे नीचे देखिए दो ऑप्शन है, क्लियर कवर और पिक पिक्चर। तो आपको सबसे पहले इस पिक्चर को जो है हटा देना है, तो आपको क्लियर कवर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर पिक पिक्चर पर आपको क्लिक करके आपको अपने गैलरी से उस फोटो को ले लेना है जिस फोटो को आप इस म्यूज़िक पे सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक पिक्चर पर क्लिक करके गैलरी से फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद फ़ोटोज़ में जाता हूँ, उसके बाद मेरी गैलरी की सारी फ़ोटो आ गई। तो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, मैं यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए एक मेमोरी टाइप का बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ये MP3 सेव हो चुका है। तो मैं बता दूं ये एक सॉन्ग है एक तरीके का, तो मैं इसे प्ले करके आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूं वरना मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो इसे आप अगर किसी को शेयर करते हैं तो इसी पिक्चर के साथ ये म्यूज़िक सामने वाले को जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी MP3 पे अपना फ़ोटो सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं एक और म्यूज़िक पर सेट करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि कोई भी एक म्यूज़िक ले लेता हूँ, सॉरी, इस पे मैंने पहले से ही सेट किया है। चलिए ये वाला जो है क्लियर कवर करके फिर एक पिक्चर सेट करता हूँ। तो यहाँ क्लियर कवर कर दिया, फिर पिक्चर पे जाके एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक फ़ोटो ले लिया, उसके बाद यहाँ पे फिर इस मेमोरी पर क्लिक कर देना है। जिसे मेमोरी पर क्लिक कर दिया, देखिए MP3 टैग सेव्ड, ये सेव हो चुका है। अब आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, प्ले करके देख सकते हैं यहाँ से आप बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।